बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज हम बनाएंगे बकरे की रान का बारबेक्यू, करेंगे कोयले के ऊपर उसको बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है, तो आइए शुरू करते हैं। रान को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, अभी इसको हम खुश्क होने देंगे अच्छे तरीके से, ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रान जो है इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया हम लोगों ने धोने के बाद। तो अभी इसमें हम कट लगाएंगे छुरी की मदद से, तो कट जो है वो थोड़े गहरे रह के लगाने हैं। तो सबसे पहले कट लगाते हैं रान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कट जो है वो इस तरह भी आप लगा सकते हैं और इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम इसको थोड़े, जिसे बोलते हैं तिरछे रख कर कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे। और ये गहरे कट हम लगा रहे हैं, ये देखें इस तरह। और थोड़े फासले पे लगाने हैं, ज़्यादा करीब नहीं लगाने, इस तरह। दोनों साइडों पे लगाएंगे कट हम। तो अभी इसको हम लगाएंगे नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक अच्छे तरह लगाना है दोनों साइडों पे। सही तरह इसको हम नमक लगाएंगे अच्छे तरीके से, इस तरह। जिस तरह मसाला लगाते हैं उस तरह हाथों की मदद से सही तरह इसको हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमक जो है वो अच्छे तरीके से हमने लगा लिया, तो अभी इसको तकरीबन एक घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो रान को हमने नमक लगा के रख दिया, अभी हम बाकी मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमें चाहिए लहसुन, एक टुकड़ा हमें अदरक का चाहिए, पेस्ट बनाना है हमने अदरक और लहसुन का।
इसमें हम सब्ज़ मिर्च जो है वो शामिल करते हैं। हम दो से ढाई अदद हम सब्ज़ मिर्च जो है वो शामिल कर रहे हैं, और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनका भी हम पेस्ट ही बना लेंगे। सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का जो है वो पेस्ट तैयार हो गया। अभी इसमें हम डालेंगे लेमन का रस, और बीज जो है वो निकाल लेने हैं लेमन के। एक बड़े साइज़ का लेमन है हमारे पास, उसका रस हम ऐड करेंगे। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है आप दही शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन एक चम्मच के करीब हम डालेंगे चाट मसाला, और थोड़ा सा इसमें हम जर्दे का जो फूड कलर है वो भी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ जस्ट कलर के लिए, ये भी थोड़ा सा ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही तरह मिक्स करेंगे। तो चूंकि हमने रान को पहले ही नमक लगा दिया हुआ है, इसलिए नमक इसमें हमने ऐड नहीं किया, लेकिन अभी हम कर लेते हैं, थोड़ा ही करेंगे, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि रान को भी पहले से लगा हुआ है, तो इस हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा नमक जो है वो भी ऐड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया, और रान को नमक लगाए हुए भी तकरीबन एक घंटा हो गया, तो इसने काफ़ी पानी जो है वो नीचे छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह मसाला जो है वो लगाना है। हाथ की मदद से तो कट जो है वो काफ़ी गहरे हमने लगाए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा जो है वो अच्छी तरह रान को लग गया। माशाल्लाह, ये देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गई है रान हमारी। अभी इसको हम बारबेक्यू करेंगे कोयले के ऊपर। नीचे मैंने ग्रिल रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अभी इसको हम रख देते हैं ऐसे। थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो हम देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम साइड जो है वो चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी कुक हो रही है, और कोयले जो हैं वो एक तो गर्मी है तो कोयले माशाल्लाह बहुत गर्म है। इस साइड पे हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब भी आप रान जो है उसका बारबेक्यू करना चाहें तो सबसे अहम जो चीज़ होती है वो इसकी मैरिनेशन होती है। वो अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे और थोड़ा टाइम दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। और जो इसका मसाला हमने बनाया था उसमें आपने लेमन जो हमने डाले थे वो ज़रूर डाल लें। अगर वो ना डाल सकें आप तो उसमें थोड़ा सिरका आप डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाता है अंदर तक। और हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसे रखा है मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो 1-2 घंटा और भी रख सकते हैं। अभी हम साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो अभी इस साइड पे भी हम कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वो वाली साइड हम चेक करते हैं और ये साइड जो इसको हम करते हैं नीचे। माशाल्लाह अच्छी बनी है ये वाली साइड भी ऊपर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रान हमारी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो गई है। कोयलों के ऊपर धीमी आंच के ऊपर इसे हमने बनाया ताकि अंदर तक जो है ये सही तरह हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह एक लेमन जो है वो निचोड़ेंगे। माशाल्लाह अभी गरम है। अरे अबू जी कैसी बनी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया और अच्छा बना। अरे मोहम्मद भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त करवाई मज़ा आ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रान हमारी जो है बहुत ही मज़ेदार बनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी स्पाइसी भी थी क्योंकि हमने बनाई ही स्पाइसी है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये वीडियो।
और अगर आप भी बनाएं तो इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।